हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आज के हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आज के हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो वीडियो होगी वो होगी UPNHM, जैसा कि आप सभी को पता है UPNHM 17,000 की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसके बारे में यहाँ पर जो चर्चा है वो मैं करने वाला हूँ। यानी कि UPNHM की तरफ से ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट है वो लगा दी गई है, ठीक है। यानी कि जो ऑफिशियल लिस्ट है नोटिफिकेशंस की वो अपलोड कर दी गई है, यानी कि आउट कर दी गई है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं UPNHM 17,000 की ज्वाइनिंग के लिए और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कब तक आने वाली है। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस है वो मैं करने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले आपको लिस्ट के बारे में बता देता हूँ कि जो लिस्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करके रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ANM LT फार्मासिस्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट 2023-24। इसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की भी आपको मैं बताऊंगा कि नर्सिंग ऑफिसर या फिर जो स्टाफ नर्स है उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। यानी कि सारी चीज़ें सेम रहने वाली है, सिर्फ एक चीज़ में चेंज आएगा, स्टाफ नर्स की के लिए आपको जो डिप्लोमा है यानी कि रिलेटेड जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है ये आपको नर्सिंग के लगाने हैं। बाकी सारी चीज़ आपकी सेम रहने वाली है, नर्सिंग के लिए भी, फार्मासिस्ट के लिए भी और ANM के लिए भी, ठीक है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, रिमार्क आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, 10th की मार्कशीट आपको आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद रिलेटेड डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, रिलेटेड डिप्लोमा सर्टिफिकेट के अंदर जो ANM LT और फार्मासिस्ट है इनके पास डिप्लोमा होता है, तो इनके लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो रिलेटेड डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा नर्सिंग के लिए या जो स्टाफ नर्स है उसके लिए आपको क्या करना है, GNM BSc पोस्ट BSc जो भी आपके पास डिप्लोमा है वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या डिग्री या डिप्लोमा, यानी कि BSc नर्सिंग होगी तो डिग्री होगी और अगर GNM होगी तो डिप्लोमा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में देख लीजिएगा रिलेटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टाफ नर्स के लिए आपको नर्सिंग का सर्टिफिकेट, फार्मासिस्ट के लिए आपको फार्मा का सर्टिफिकेट और ANM के लिए ANM कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में ब्लैंक स्टैम्प आपको 100 रुपये का क्या करना है, 100 रुपये का आपको ब्लैंक स्टैम्प यहाँ पर लेके जाना है। उसके बाद में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट में के बाद में आपको डोमिशियल सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है, तो आपके पास डोमिशियल सर्टिफिकेट होने चाहिए। जो अदर कैंडिडेट हैं उनके पास यहाँ पर डोमिशियल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, जो यूपी स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके पास यहाँ पर जो डोमिशियल सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर पैन कार्ड की आवश्यकता है, तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो मेडिकल होता है ज्वाइनिंग के टाइम आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आपकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी, तो आपके पास क्या होना चाहिए, जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी कि 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आपके यहाँ पर लिए जाएंगे, तो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो आप उनकी फोटोकॉपी करा लेंगे बाद में, लेकिन आपके पास एक जो करेक्टर ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद में आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड के बाद में 2 आपकी जो फ़ोटो है यानी कि आपकी पासपोर्ट साइज़ की जो 2 फोटो हैं वो फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ में आपकी फ़ोटो यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, जो अपॉइंटमेंट लेटर है या SPMU ऑफर है, ठीक है, जो SPMU ऑफर या अपॉइंटमेंट लेटर है तो वो अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ आपको देखी जाएंगी उसके अंदर, ठीक है, जिस टाइम आप जाओगे। उसके बाद में NOC यानी कि अगर आपने पहले कहीं वर्क किया है, अगर आपने ऑलरेडी पहले वर्किंग किया है तो उसके पास जिन कैंडिडेटों ने पहले से काम किया है उनके लिए उनको क्या होनी चाहिए, NOC होनी चाहिए, क्योंकि हम वहाँ से नोड्यूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आप वहाँ उस पहले जहाँ कर रहे थे वहाँ से छोड़कर आ चुके हैं। उसके बाद में ज्वाइनिंग एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, जो आपको ज्वाइनिंग एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा वो ज्वाइनिंग एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो टोटल कुल मिला के आपके जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 15, यानी कि 15 आपके पास क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अधूरा है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपका क्या होगा, फिर मान्य नहीं होगा, आपके जो DV है वो कंप्लीट मान्य यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर देख लीजिएगा स्पेशल नोट भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये चीज़ आप देख लीजिएगा, आपको स्पेशल नोट यहाँ पर दिया गया है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए एंड सबमिटेड टू द डिस्पैच ऑर्डर, और सबमिट करना चाहिए जिस टाइम आपको ऑर्डर दिया गया है उस टाइम आपको क्या करना है, सबमिशन करना है
ठीक है, और सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो ANMLT और फार्मासिस्ट के लिए जो ऑर्डर दिए गए हैं, उस ऑर्डर पर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। नर्सिंग ऑफिसर का भी आपको जो ऑर्डर है वो आपको जल्द ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी से निवेदन है कि अपना जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आप टाइम से करवा लीजिएगा, साथ ही साथ जो भी चीज़ें हैं वो आपको सेल्फ अटेस्टेड लेके जानी है, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो भी चीज़ें लेके जाओ। तो यही एक अपडेट आपको देनी थी। अगर अपडेट अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाए, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो मैं आपके पास टाइम से लाते रहूँगा। अगर UPNHM 17000 से रिलेटेड अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आप सभी तक मैं पहुँचाने की जरूर कोशिश करूँगा।